हाँ तो बताओ। हाँ तो बताओ। नहीं सीरियसली, आप लोगों को कैसा लगा आप बताइए। देखिए बहुत अच्छा लगा। केमिस्ट्री कैसा था? केमिस्ट्री बहुत अच्छी। केमिस्ट्री ऑब्वियसली, चाह के आप उसको लाइक करेगा, शेयर करेगा और प्रमोट करेगा प्लीज हमारे सॉन्ग को। माय केमिस्ट्री बहुत अमेजिंग है जी। बिल्कुल, हमारा जो चूंकि हम लोग शुरू से ये था कि हम लोग काम करेंगे, अगर मौका मिला तो काम क्यों नहीं करेंगे, और हमें ऐसा मौका मिला कि हम लोग इतने बड़े मतलब लेवल पे, इतने बड़े चूंकि जी ने रिलीज़ किया इसको, तो इतने बड़े लेवल पे हमारा कोई सॉन्ग आ रहा है और जिसमें हम लोगों ने साथ में पार्टिसिपेट किया है और हम लोगों ने काम किया है, तो इसके लिए रीना मैडम को और पूरी टीम को, हमारा केसरिया बालम पूरी टीम को, क्योंकि हम एक एक नाम नहीं ले सकते और बहुत ज़्यादा वी आर वेरी थैंकफुल। बहुतों का मेहनत है जिनका नाम हमें याद है, याद नहीं भी है, तो सबको दिल से थैंक यू, क्योंकि बिना उनके ये पॉसिबल नहीं था। क्या आपको लगता है जैसे दीपक ने कहा कि बिना उनके पॉसिबल नहीं था, लुक मत दीजिएगा जब जवाब दे, तो अगर आप दोनों बिग बॉस में जो आपकी केमिस्ट्री रही है और जो लव इंटरेस्ट रहा है दीपक का हमेशा से आप में दिलचस्पी रही है, वो नहीं होता तो ये नहीं होता शायद, मे बी एक रीजन था क्योंकि रीना मैम ने, हाँ रीना मैम ने हमारी केमिस्ट्री, हमारी नोकझोंक देखी और उनको वो चीज़ बहुत पसंद आई, तो उन्होंने मतलब जैसे ही हम बाहर आए अप्रोच किया और हमें सॉन्ग ऑफर किया, हमें भी उनका ऑफर बहुत अच्छा लगा, सॉन्ग बहुत अच्छा लगा, तो देन यस। सोमी तुमको उनको थैंक्स बोलना चाहिए, तुम्हें हमें मुझे थैंक्स बोलना चाहिए। ओके अच्छा, केमिस्ट्री बहुत अच्छी लग रही है आप दोनों की, जिस वक्त ये ऑफर आप दोनों को करा गया, व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? अरे ये कैसे, मेरा तो हाँ था आपको तो हमेशा हाँ था। मैंने भी सुन के, मुझे भी आई वॉज वेरी एक्साइटेड बिकॉज फर्स्ट प्रोजेक्ट मुझे यही अप्रोच हुआ था केसरिया बालम आफ्टर कमिंग आउट, एंड द सॉन्ग वॉज वेरी नाइस, रीना मैम इज सो नाइस, उन्होंने जिस तरह से अप्रोच किया मुझे बहुत पॉजिटिव फील हुआ, एंड इससे अच्छा था कि दीपक के साथ था, तो फिर आई वॉज वेरी हैप्पी, एंड देन हमने हाँ कर दी और फिर उसका रिजल्ट आप देख रहे हैं। मीका मीका तलत तलत अजीज देयर इज अ लीजेंड यू नो, या या या, दे आर हियर टू प्रमोट यू, टू सपोर्ट यू, हाउ प्राउड यू फीलिंग? आई एम वेरी प्राउड, मुझे तो खुद को यकीन नहीं होता कि मेरी लाइफ इतनी चेंज हो गई है कि जिनके मैं गाने सुनती थी और एक बार सोचने के लिए यू नो विश करती थी, सपना देखती थी कि एक बार उनसे मिलना होगा, वो आज हमारे गाने को लॉन्च करें, तो इट्स रियली अ प्राउड मोमेंट फॉर मी एंड फॉर माई फैमिली ऑल्सो। नहीं नहीं, हम लोगों को जो भी डिफिकल्टी आया ना, हमारा टीम ऐसा था और कैमरे के पीछे सर और कोरियोग्राफर सर, और चूंकि हमारा बॉन्डिंग ऐसा था तो हम लोग, अगर वही अगर कोई अननोन कलाकार होता तो मैं भी कुछ चीज़ें जैसे कुछ चीज़ों में जो हमसे नहीं हो पाए या इनसे हो जाए तो हम लोग शेयर नहीं करते, वो गैप रहता, लेकिन हम लोगों में इतना बॉन्डिंग था कि हम लोगों ने जो भी चीज़ें, एक्चुअली वो रोमांटिक ट्रैक है ये, आपने जैसा देखा होगा, और फर्स्ट टाइम कैमरे पे आना और रोमांस करना, और अभी कोई अननोन को स्टार होता जिसको आप नहीं जानते, तो मैं इतना कंफर्टेबल नहीं हो पाती, और बहुत हमने एंजॉय किया शूट को और बहुत अच्छा लगा। क्या गिवन अ चॉइस, क्या आगे चलकर पॉसिबिलिटी है आप दोनों फिल्मों का भी हिस्सा बने, जहां पे आपके साथ ही लव स्टोरी बनाई जाए, वुड यू बी इंटरेस्टेड? बिल्कुल काहे नहीं होंगे, हम तो शुरू से हैं इंटरेस्टेड इस तरीके के काम, मतलब जेन्युइनली जिस काम से हमारा नाम हो, जिस काम, जो काम अच्छा हो, जो काम लोगों को पसंद आए, और अगर लोग हमारे में वो उम्मीद, वो चीज़, वो देखते हैं, तो जनरली हम लोग साथ काम करना चाहेंगे। आप किस तरह से अपनी जोड़ी को देखते हैं? यू नो देयर आर वेरी फेमस जोड़ी इन द बॉलीवुड, फॉर एग्जांपल वरुण धवन एंड आलिया भट्ट, सलमान एंड कैटरीना कैफ, यू नो वेयर यू कंसीडर योरसेल्फ एज अ जोड़ी? दीपक ठाकुर और सोनी खान। हां, इससे फेमस जोड़ी क्या हो सकती है, लोग आज यू नो टॉम एंड जेरी वाला था हमारा, हां स्टिल वी आर टॉम एंड जेरी, हम लड़ते हैं झगड़ते हैं पर हमेशा साथ हैं। अच्छा, शादी की बात करें तो क्या चांसेस है, अगर आपके डैड ने तो मना कर दिया, अगर हाँ बोलते तो क्या होता? अब डैड ने मना कर दिया तो मेरी कहाँ से शादी होने वाली है? दीपक अगर हाँ बोलते डैड तो क्या? इसको इस चीज का गिल्ट है। कोई बात नहीं सोमी, तो ये एल्बम करके गिल्ट खत्म करा जा रहा है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये एल्बम करके अच्छा काम किया जा रहा है, पैसा कमाया जा रहा है, लोगों का मनोरंजन किया जा रहा है। अच्छा दीपक, अगर आपको शादी करना हो तो किस तरह की लड़की चाहिए, और आपको अगर शादी करना हो तो किस तरह का लड़का चाहिए? अच्छा इंसान चाहिए, किस तरह का इंसान चाहिए? हाँ, और नहीं बोलिए, अच्छा इंसान चाहिए, और